अशोक महान प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के राजा थे। अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व हुई थी, जिसके बाद अशोक राजगद्दी पर बैठे। अशोक महान के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। बस वह कलिंग के राजा को अपने अधीन नहीं कर पाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान गौतम बुद्ध की शरण में चले गए थे। महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य को बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म की जड़ें मिस्र, सऊदी अरब, इराक, यूनान से लेकर श्रीलंका और बर्मा, थाईलैंड, चीन आदि क्षेत्र में गहरी जम गई थी। भगवान बुद्ध का धर्म भारत के सभी प्राचीन धर्मों का नवीनतम और अंतिम संस्करण है। बुद्ध दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को एक सुव्यवस्था दी और समाज में व्यापक भेदभाव को मिटाकर समाज को धार्मिक आधार पर एक करने का कार्य किया। बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में भिक्षुओं से ज्यादा योगदान सम्राट अशोक का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ चाणक्य के सानिध्य में सनातन धर्म को संगठित कर राज धर्म लागू किया था, वहीं उसके पोते सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने राजपाट नहीं छोड़ा, बल्कि एक बौद्ध सम्राट के रूप में लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने पूर्व शासन तंत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में लगा दिया। उसने दुनिया के हर कोने में बौद्ध स्तूप बनवाए या बनवाने में मदद की और इस तरह भारत में संपूर्ण रूप से बौद्ध साम्राज्य की स्थापना की गई। हालांकि अशोक से पहले छोटे मोटे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अपने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा चैट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।